मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ गया हमारा वो टाइम, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। पढ़ा लिखा मैं कमलकार, घर पर बैठा हूँ बेकार, समाज करता तिरस्कार, दोस्तों मैं भी हूँ बेरोजगार। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं ओवरऑल सभी के लिए बता रहा हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की हो, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कहीं की भी हो, और किसी भी स्टेट की मीडिया हो, चाहे सेंट्रल मीडिया हो, चाहे छोटी छोटे लेवल की मीडिया हो, मैं सभी के लिए ओवरऑल बोल रहा हूँ, सब भ्रष्ट है। ये सब के सब भ्रष्ट है, पूरी पूरी मीडिया भ्रष्ट है, पूरा का पूरा राजनीति भ्रष्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट सेंटर हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्टेट लेवल की हो। ठीक है, ये लोग एक सफेद कपड़े में, ये लोग एक सफेद कपड़े के अंदर छुपे हुए क्या है, काला धन है। ये जो नेता होते हैं, ये जो मीडिया के लोग होते हैं, जो सफेद कपड़े पहनते हैं, ये सफेद कपड़े के अंदर छुपे हुए काला धन है। ये क्या है, काला धन है, जिसको बाहर निकालने की जरूरत है, इन सभी को बाहर निकालने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जो इंडिया की गवर्नमेंट और मीडिया है, हम जैसे लोगों के साथ, हम जैसे स्टूडेंट्स के साथ प्रेजेंट टाइम में क्या कर रही है, एक शातिर चोर की तरह व्यवहार कर रही है। किसकी तरह, एक शातिर चोर की तरह व्यवहार कर रही है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, मात्र दो मिनट की स्टोरी है, फिर हम चलेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। एक गाँव में चार चोर होते हैं और वो बहुत ही चतुरता के साथ और बहुत ही शातिर तरीके से वो चोरी करते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, चारों के चारों चोरी करने के लिए एक साथ जाते हैं। ठीक है, किसी भी घर में जाते हैं, किसी की भैंस चुराते हैं, किसी का क्या चुराते हैं। वो जब भैंस चुराते हैं तो क्या करते हैं, वो उन चारों चोरों में से एक चोर घंटी को लेकर, भैंस की घंटी को खोलकर और उसको लेकर पश्चिम दिशा में चले जाते हैं, और बाकी के जो तीन चोर हैं वो उस भैंस को लेकर पूर्व दिशा में चले जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो उस गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, उस घंटी की आवाज को सुनकर पश्चिम दिशा में जाते हैं, और वहां पर उनको क्या मिलती है, घंटी मिलती है, क्योंकि भैंस तो पूर्व दिशा में जा चुकी है। वही हाल यहां पर गवर्नमेंट कर रही है, वही हाल यहां पर मीडिया कर रही है। मीडिया इंडिया की सबसे करप्ट मीडिया है, सबसे खत्म मीडिया है, सबसे बेकार मीडिया है। यहां पर क्या सिस्टम चल रहा है, मीडिया को कोई हक नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही मीडिया की कि वो बेरोजगारों के ऊपर फोकस करे, वो बेरोजगारों के लिए कुछ करे, वो स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान दे, वो नहीं कर रहे ऐसे। वो क्या कर रहे हैं, हमें उस घंटी के पीछे भगा रहे हैं, हमें उस घंटी के पीछे भगा रहे हैं। मीडिया स्पेशल फोकस करी है सुशांत सिंह का मर्डर, 4 महीने पहले मर्डर हो गया था, एक आदमी का मर्डर हो गया, कोई मतलब नहीं है, मर जाए एक नहीं, 100 मरे, 1000 मरे, 10000 मरे, हमें कोई मतलब नहीं है। हर नेता मरे, हर एक्टर मरे, हर एक्ट्रेस मरे, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग हमारी केयर नहीं कर रहे हैं, वो लोग हमारी केयर नहीं कर रहे हैं। उधर एक मरा, एक सुशांत सिंह मरा था, जिसकी वजह से कितना बवाल मचा हुआ है, यूट्यूब पर देख लो, किसी भी चैनल के ऊपर देख लो, मीडिया केवल सुशांत सिंह चला रखी है। मीडिया को नहीं पता कि रोज कितने स्टूडेंट्स और कितने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सुसाइड करते हैं, इसके बारे में मीडिया को नहीं पता है, ना ही गवर्नमेंट को पता है, और वो हमारी सुनते भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दो, हमें खुद को लड़ना है। मीडिया रियल में बहुत करप्ट है, बहुत करप्ट है, बहुत करप्ट है। मीडिया को वो उन लोगों की जरूरत है, मीडिया उन लोगों की सपोर्ट करता है जो उनकी जेब भरते हैं, क्या करते हैं, जो उनकी जेब भरते हैं, जो बड़े लेवल के लोग होते हैं उनकी पॉकेट में मनी डाल देते हैं और वो उनको पॉपुलर कर देते हैं। तैमूर 1.5 साल के बच्चे को हर कोई जानता है, किसने पॉपुलर किया, उसके माँ बाप ने कभी कोई फोटो नहीं डाली, केवल मीडिया ने। यहाँ पर हम लोग सुसाइड कर रहे हैं, 36-37 साल की एज तक पढ़ते हैं और बहुत सारा रुपये खर्च करते हैं, हमारी पूरी फ्यूचर प्लानिंग होती है, हमारी पूरी फैमिली प्लानिंग होती है उसके ऊपर, और हम क्या करते हैं लास्ट में 36 साल तक रेगुलर मेहनत करके हम सुसाइड करते हैं, लेकिन मीडिया उसके ऊपर भी कोई पॉइंट नहीं उठाती। सुशांत सिंह 4 महीने पहले मर गया, उसके ऊपर पॉइंट उठा रही है, आज भी उसको पॉपुलर बना रही है। किसी भी चैनल के ऊपर देख लो, सुशांत सिंह मिलेगा, किसी भी बेरोजगार के बारे में नहीं मिलेगा कि उस बेरोजगार ने सुसाइड कर लिया। गवर्नमेंट को रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं सुनती, क्योंकि हम लोग मीडिया को कुछ दे नहीं सकते, हम मीडिया का पॉकेट नहीं भर सकते, क्योंकि वी आर अनएम्प्लॉयमेंट, हम बेरोजगार हैं,
तो दोस्तों ये जो मीडिया है वो बिल्कुल करप्ट हो चुका है, 100% करप्ट हो चुका है। हमें खुद को कुछ करना है, और ये गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये भी बिल्कुल करप्ट है, बिल्कुल 100% बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल करप्ट है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप सभी को पता हो एक बहुत ही बड़ी बात है, जो मोदी जी हैं वो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में बहुत सोचते हैं मोदी जी, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, इतना बड़ा सोचते हैं वो, हमारी 3-4 जो आगे की पीढ़ियां हैं उनके बारे में उन्होंने सोच लिया, और ये सोच के उन्होंने राम मंदिर बनवाया। आप लोगों को नहीं पता कि मोदी जी का राम मंदिर बनवाने का असली मकसद क्या था, मैं बताता हूँ। मोदी जी का राम मंदिर बनवाने का असली मकसद है, वहां पर हम लोगों को रोजगार मिलेगा, राम मंदिर हमें रोजगार देगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा रुपए वाले लोग, विदेशों के लोग घूमने के लिए आएंगे, उनको हम कचौड़ियां बना के खिलाएंगे, चाय बना के पिलाएंगे, समोसा बना के खिलाएंगे, राम मंदिर की सफाई करेंगे, वहां पर हम खिलौना बेचेंगे, वहां पर हम कटोरा लेके भीख मांगेंगे। भाई ये रोजगार जो हमारी, हम करेंगे, फिर हमारे बच्चे करेंगे, फिर उसके बाद हम वो बच्चे करेंगे। मोदी जी को पता है, वो हमारे फ्यूचर के लिए सोच रखे हैं, हमारी वहां सीट फिक्स करवा दी जाएगी, जैसे गवर्नमेंट जॉब में सीट फिक्स नहीं होती कि यहाँ पर ये बंदा बैठेगा, यहाँ पर ये बंदा बैठेगा, इसके ऊपर ये रहेगा, इसके ऊपर ये रहेगा, बिल्कुल सिस्टम सेम रहेगा। राम मंदिर के आगे जो ठेले लगेंगे, जहां पर हम समोसे कचौरी बनाएंगे, वहां पर हमारी सीट बिल्कुल फिक्स होगी। ये मोदी जी का प्लान है, मोदी जी हमें वहां पर रोजगार देंगे, यही सोच के बनाया है उन्होंने। कभी भी आपको इतने स्पीच सुन लिया होगा मोदी जी की, रेगुलर मन की बातें करते हैं, क्या मन की बात है, रोजाना करते हैं, कभी भी बेरोजगारों के ऊपर कोई बात नहीं करते, कभी भी रोजगार के लिए, कभी भी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए बात नहीं करते, वो बस राम मंदिर, मैंने राम मंदिर बनवा दिया, अरे हमारा फ्यूचर सोचा है, वहां पर हम लोग भीख मांगेंगे, कटोरा लेके भीख मांगेंगे, हम चाय की दुकान खोलेंगे आपकी तरह, पहले आप चाय बेचते थे, तो उस तरीके से हम चाय बेचेंगे वहां पर, बुरा मानो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज दिल से निकल रही है ये आवाज, मेरी खुद की नहीं आवाज है ये, आज हर एक बेरोजगार बच्चे की आवाज है। कोई भी वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन डलता है, वहां पर 10-15 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, एक वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई होता है, वहां पर 10-15 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस चलती है, कोचिंगों में रुपए लूटते हैं, उसके बाद बुकों में रुपए लूटते हैं, टाइम लूटते हैं, लास्ट में वही बेरोजगारी मिलती है, क्योंकि कुछ सीटें भ्रष्ट के कारण, करप्शन के कारण बिक जाती हैं, और कुछ सीटें पड़े हुए ले जाते हैं। पहली बात तो सीटें 10 लाख पर 5,000, 2,000, 3,000 सीटें निकालते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे प्यारे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्रेजेंट टाइम में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, पिछले 2 दिन से SSC CGL रेलवे, जो भी नेशनल लेवल के, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनके जो स्टाफ हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक आवाज़ उठा रखी है, और हम लोगों को भी अब उन लोगों का सपोर्ट करना है, बिल्कुल 100% सपोर्ट करना है। क्या करना है, बिल्कुल 100% सपोर्ट करना है हम लोगों को भी उनका, और हमें क्या करना है, हमें उन लोगों का सपोर्ट करना है, क्योंकि वहां पर भी सपोर्ट करना है, और हमें स्टेट लेवल पर भी विरोध करना है, हमें सेंट्रल लेवल की तरह स्टेट लेवल पर भी अपना अपना एक क्या बनाना है, संगठन बनाना है, और हमें हर एक गवर्नमेंट का विरोध करना है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कहीं की भी कोई भी वैकेंसी गवर्नमेंट हो, हमें हर स्टेट में हर स्टेट गवर्नमेंट का विरोध करना है, क्योंकि अब हमें एक बहुत बड़ा मोर्चा नहीं निकालना होगा, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। प्रेजेंट टाइम में करोड़ों की भीड़ लगी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट सेल, जो सेंट्रल की जो वैकेंसियों हैं, प्रेजेंट टाइम में 2 दिन से बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है ये, आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर राकेश यादव है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी फैकल्टीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध कर रही है वैकेंसियां टाइम पर नहीं करवाने का। तो जो लोग स्टेट लेवल पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चुप क्यों बैठे हो आप लोग, आप लोग चुप क्यों बैठे हो, आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बुरा हाल है, वहां पर 2 साल में तो वैकेंसी आती है, यहां पर तो भाई 2 साल वैकेंसी कोर्ट में रुकती है। सबसे पहले वैकेंसी का थोड़ा सा अनाउंसमेंट होगा, फिर वैकेंसी जाएगी कोर्ट में, फिर आएगा नोटिफिकेशन, फिर जाएगी कोर्ट में एग्जाम के रिगार्डिंग, फिर होगा एग्जाम, फिर जाएगी कोर्ट में, फिर होगा सेकेंड एग्जाम या इंटरव्यू, फिर जाएगी कोर्ट में, फिर होगी ज्वाइनिंग, फिर जाएगी कोर्ट में, जहां पर तो इतना बुरा हाल हो रहा है। जब सेंट्रल में इतना बुरा हाल नहीं है, वहां पर 2 या 3 साल में एक वैकेंसी कंप्लीट हो रही है, वो लोग इतना विरोध कर रहे हैं, यहां तो भाई कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसियों का हाल देखो, कितने साल से बुरा हाल चल रहा है,
राजस्थान पुलिस की वैकेंसियों का हाल देखो, पटवार की पुलिस, पटवार की जो वैकेंसियां हैं उनका हाल देखो, आरएएस वगैरह इनका हाल देखो, तीन तीन चार चार साल से वैकेंसियां चलती हैं। तो हर स्टूडेंट को अब खड़ा होना है, अब चुप नहीं रहना है। मैं टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन अब आप सोशल मीडिया में कहीं और जगह अपना टाइम वेस्ट करो, कॉमेडी वीडियो देख के टाइम वेस्ट करो, टिकटॉक चला के टाइम वेस्ट करो, वहां मत करो। आप हम जैसे लोगों को सपोर्ट करो, आप हम जैसे लोगों को सपोर्ट करो, हम 100% कुछ करके दिखाएंगे आपके बाद। अब हमारा टाइम आ गया है हमें अपना अधिकार लेने का। आप हर एक स्टेट से, कोई सब स्टेट हो, मध्य प्रदेश का मैं प्रेजेंट टाइम में एक पढ़ाता हूँ, तो एक स्टूडेंट ने मेरे पास एक फोटो भेजी थी। मध्य प्रदेश में भी बहुत बुरा हाल है। मैं पहले सोचता था कि वैकेंसियों से रिलेटेड बुरा हाल केवल राजस्थान में, लेकिन अब पता चला है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हर जगह यही चल रहा है। नोटिफिकेशन डाल देते हैं न्यूज़पेपर में कि शिक्षा मंत्री ने की बात, शिक्षा मंत्री ने इन बातों के लिए बुलाई बैठक, फिर वो बैठक बैठती है, उसमें वो चाय पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, उस टॉपिक पर बात नहीं करते। मीडिया करप्ट है, वो हाईलाइट करके डाल देती है। शिक्षा मंत्री जी ने अपने अन्य सहपाठियों के साथ या अपने अन्य सदस्य टीम के साथ बैठकर की इस वैकेंसी के ऊपर चर्चा, वो आ जाता है हाईलाइट। हमारे मन में खुशी हो जाती है कि भाई वैकेंसी आ गई, अब तो सुन ली उन्होंने। फिर सो जाते हैं वो लोग, 5-7 महीनों की गई, फिर उठा देते हैं मुद्दा वही चाय पानी के लिए, फिर बैठाते हैं मीटिंग। शिक्षा मंत्री जी ने दोबारा की मीटिंग का गठन, मीडिया का बिल्कुल हाईलाइट रहता है। शिक्षा मंत्री जी ने दोबारा की इस वैकेंसी से रिलेटेड अपनी कमेटी बैठाई, वहां पर लिया इन्होंने मैन मैन निर्णय, और उस निर्णय को आप नीचे पढ़ोगे तो वहां पर क्या होता है, वैकेंसी जल्द ही कंप्लीट करवाई जाएगी, नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। ये बात 2 साल तक चलती है और मीडिया उसको बिल्कुल हाईलाइट करके दिखाती है। मीडिया इस तरीके से दिखाती है कि उस मीटिंग के दौरान ही स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें विरोध करना है हर एक वैकेंसी का। मैं हर एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ, मेरे को ज्यादा हर वैकेंसी का नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं राजस्थान की कुछ वैकेंसियों का और अदर स्टेट की कुछ वैकेंसियों का नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज है मेरे को, वो मैं बता सकता हूँ। कॉलेज लेक्चरर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कॉलेज लेक्चरर किसी भी स्टेट का देख लो, हरियाणा का देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, बिहार का देख लो, झारखंड का देख लो, राजस्थान का देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, किसी भी स्टेट का कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देख लो। नोटिफिकेशन 2018 से चल रहा है, न्यूज़पेपर वाले मीडिया उसको बिल्कुल हाईलाइट करके दिखा देते हैं। आने वाली है, जल्द ही आने वाली है वैकेंसी, जल्द ही आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जल्द ही आने वाली है कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी। इतने पद खाली, इतनों को दी जाएगी ज्वाइनिंग। हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का बहाल, ऐसी हाईलाइट बनाती है मीडिया और हम लोग उसमें बह जाते हैं, हम लोग अपनी तैयारी में लग जाते हैं गधे की तरह। किसकी तरह? गधे की तरह, दिन रात एक कर देते हैं। वो वैकेंसी 4 साल तक चलती है, उस टाइम तो भाई वो चाय पानी पीते हैं, जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है जहाँ पर लिखा होता है कि मीटिंग शिक्षा मंत्री जी ने अपनी कमेटी के साथ बैठकर या सदस्य समिति के साथ बैठकर की इस वैकेंसी के ऊपर चर्चा, वो ऐसे ही चलता है। वहां पर वो तो चाय पानी पीते हैं और कुछ नहीं करते। कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी का रियल कंडीशन देख सकते हो, मैं पिछले साल से पढ़ाने के लगा हूँ दिसंबर से, और उससे पहले मैं तैयारी भी कर रहा था। 2018 से केवल न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आता है और ये मीडिया वाली वेबसाइट के ऊपर भी नोटिफिकेशन डाल देते हैं। न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आ रहा है, इसके अलावा कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। 2018 गई, 2019 गया, 2020 जाने वाला है, और उससे 2-3 साल पहले वैकेंसियां हुई थी, अभी तक कुछ नहीं होने वाला। फिर नोटिफिकेशन डलेगा, फिर कोर्ट में जाएगी, फिर पता नहीं क्या क्या होगा। क्यों हो रहा है ये? क्यों आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सभी लोग स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हो? कोई मतलब नहीं निकल रहा। जितना कमाओगे उससे ज्यादा तो आप पहले खर्च कर चुके हो, रियल है। कोई कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी कर रहा है उससे पूछो जाके, एक वैकेंसी मिस होने का मतलब है फिर 5 साल लेट जाना, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी 5 साल में आ रही है।
कोई भी वैकेंसी देख लो, राजस्थान में आरएएस की देख लो 3 साल में आ रही है, पटवार की देख लो 3-4 साल में आ रही है, राजस्थान पुलिस की देख लो, किसी भी स्टेट में पुलिस की देख लो वही 3-4 साल में आ रही है, ग्राम सेवक की देख लो वही 3-4 साल में आ रही है, किसी भी स्टेट में, एक स्टेट की बात नहीं कर रहा, किसी भी स्टेट में, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको अपनी पावर बताता हूं कि हम लोगों में पावर क्या है। आज हम शिक्षित हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम शिक्षित हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम सब कुछ जानते हैं। 1947 के दिन याद करो, जब वो लोग कुछ भी नहीं जानते थे, जब वो लोग आजाद भी नहीं थे, जब उनको बोलने की स्वतंत्रता भी नहीं थी, उनको चलने की भी स्वतंत्रता नहीं थी, और वो लोग मिलकर 200 साल से जमे हुए अंग्रेजों की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक सकते हैं, 200 साल से जमी हुई अंग्रेजों की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक सकते हैं। मैं सभी नेताओं को, सभी गवर्नमेंट को बताऊं, युवा शक्ति में इतनी पावर है, वो लोग अंग्रेजों की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक सकते हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है रुके रहने की। ये समझो कि हम लोग अभी शांत बैठे हैं, जिस दिन मन में जत गई ना, गवर्नमेंट उखाड़ के फेंक देंगे 100%। आपको कहीं रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो एज है और एज हो चुकी है, आप कहीं पर फॉर्म भरने लायक भी नहीं हो, यह भी ध्यान में रखना। हम लोग अभी फॉर्म तो भर सकते हैं, आप लोग किसी के लिए फॉर्म भी नहीं भरने लायक हो, आपके पास एलिजिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि आप 10वीं पास भी नहीं हो। तो दोस्तों अब हमें सपोर्ट करना है, बिल्कुल खेंच के सपोर्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं वो सीरियस होकर पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन आप अपना जो टाइम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में देते थे, थोड़ा म्यूजिक में देते थे, वहां पर दे दो, उसकी बजाय इस टाइम को आप कन्वर्ट करो और हम जैसे लोगों को सपोर्ट करो। मैं मेरी नहीं बता रहा, किसी भी को भी सपोर्ट करो, लेकिन इस तरीके से सपोर्ट करो जिससे कि यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बने, जिससे हमारी भी सुने, स्टेट गवर्नमेंट को भी पता चले कि भाई हमारे ऊपर भी आ चुकी है कुछ ना कुछ, स्टेट गवर्नमेंट के लोगों की भी नींद उड़े, ये लोग चैन से सो रहे हैं, आराम से रोटी खाते हैं, 4-5 अलग अलग तरीके की डिशेज खाते हैं ये, क्योंकि VIP हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, मस्त तरीके से सोते हैं, और हम लोग दिन रात पढ़ने के लगे रहते हैं, वैकेंसी आई नहीं रही, अभी तो नोटिफिकेशन डल रहा है, फिर पढ़ रहे हैं, फिर वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन डलेगा, फिर पढ़ेंगे, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर हम कोर्ट में भी जाके लड़ेंगे, हम कभी टंकियों पर चढ़ेंगे, बोले इसको लेक्चरर की बात है, टंकियों पर चढ़ेंगे, रोड पर धरना देके बैठेंगे, पुलिस की लाठियां खाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तब कहीं जाके वैकेंसी आती है भाई। तो उन लोगों को क्यों शांत बैठने दे रहे हो आप, जब वो लोग हमारी नींद हराम कर सकते हैं, जब हम स्वतंत्र हैं, जब हमें अपने पूरे अधिकार हैं, और उसके बाद वो लोग हमारी नींद हराम कर सकते हैं, तो हम उनको क्यों चांसेस होने दें। उनको भी लगना चाहिए कि बेटा अब तेरे को भी खड़ा होना पड़ेगा, तेरे को भी अपनी नींद उड़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट करो मेरा ही नहीं, जो इस मुद्दे के ऊपर कोई भी चैनल वाला हो, कोई भी आपको ऐसा सोर्स लग रहा हो जो इस मुद्दे के ऊपर कदम उठा रहा हो, उस भाई का पूर्ण रूप से सपोर्ट करो, क्योंकि ये किसी एक की बात नहीं है, ये हम सभी के लिए। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को धुआंधार तरीके से सभी के साथ वायरल कर दो, ये वीडियो इतना वायरल हो जाना चाहिए शाम तक हर बंदे के, हर राजनेता और हर मीडिया के फोन में होना चाहिए ये वीडियो। मैंने यहां पर बिल्कुल साफ बोला है, मीडिया करप्ट है, गवर्नमेंट करप्ट है, चाहे वो इंडिया सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो, और ध्यान रखना इन लोगों के कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। ये लोग हमारी आत्मा दुखा रहे हैं, इस टाइम में हम लोगों की आत्मा दुखा रहे हैं, इन लोगों को कीड़े पड़ेंगे, ये कैंसर से मरेंगे। न्यूज़पेपर में नहीं देखते, वो नेता हुआ कैंसर, हॉस्पिटल में एडमिट, ये लोग घर पर भी नहीं मरते, इनके इतने खराब क्रम रहते हैं, इनको घर पर मरना भी नसीब नहीं होता, और फिर भी लोग ये नहीं समझते, कीड़े पड़ेंगे इन लोगों के, इनको अपनी औलाद मुखाग्नि भी नहीं देती, कोई और ही देके चला जाता है, और फिर भी लोग ये नहीं समझ ले। तो प्लीज इस वीडियो को वायरल करो, 100% हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। थैंक्स देखने के लिए, बाय।